आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इटली के एक गुमशुदा गांव के बारे में, जो कि 70 साल बाद एक झील के किनारे मिला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इटली में एक गुमशुदा गांव 70 साल बाद मिला है। ये गांव एक झील के किनारे मिला है जो 1950 में गायब हो गया था। क्यूरोन नाम है इस गाँव का, और कई डिकेड्स पहले सैकड़ों परिवार के लोग इस गाँव में रहते थे। लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनवाने के लिए 70 साल पहले देश की सरकार ने एक डैम का निर्माण करवाया और इसके लिए दो झील को आपस में मिला दिया। दो झीलों के मिलने का नतीजा ये हुआ कि क्यूरोन गांव का वजूद ही मिट गया। साल 1950 में जब जलाशय के निर्माण के लिए दो झीलों को आपस में मिलाया गया, तो क्यूरोन गाँव पानी में डूब गया। पानी में गाँव डूब जाने से लोगों को एक दूसरी जगह पर डिस्प्लेस होना पड़ा। इस गांव के डिस्प्लेस होने से करीब 400 लोग पास के एक नए गांव में चले गए, वहीं करीब 600 लोग काफ़ी दूर चले गए। साउथ टायरल में नॉर्थ भाग में स्थित इस झील में कई सालों बाद मरम्मत का काम शुरू किया गया, तो इसके पानी को सुखाया गया। पानी को सुखाने के बाद इस गाँव का बचा हुआ हिस्सा मिला। मैं आपको बता दूं कि क्यूरोन गांव ऑस्ट्रेलिया और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पर स्थित है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस गांव के इतिहास पर साल 2020 में नेटफ्लिक्स पर एक क्यूरोन नाम का ड्रामा भी ब्रॉडकास्ट हुआ था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।